सो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से मोंगोडीबी के अंदर स्कीमा एंड मॉडल अपना रोल प्ले करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने पिछले वाला कोड आप लोग के सामने खोल के रख दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यार, मैंने यहाँ पे क्या करवाया था, नोड जेएस और जो हमारा मोंगोडीबी था उसके बीच में हमने कनेक्शन बनाया था यूज करते हुए मोंगोज का। होप कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो चेकआउट करा होगा, नहीं करा है इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो ही है, चेकआउट कर लेना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया है मोंगोज क्या होता है, मोंगोज किस तोड़ करा जाता है, सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी हैं। जैसे चेकआउट कर लेना इंपॉर्टेंट है, बढ़िया। अब देख सकते हो, अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्कीमा क्या होता है। पहले हम लोग बात करते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो यार मैंने एक पेज ओपन करा था, ये देख सकते हो। हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखो मोंगोज स्कीमा, मैंने इतना ही लिखा बस और मेरे सामने रिजल्ट काफ़ी बढ़िया दे दिया इसने। तो ये देख सकते हो, उन्होंने बता रखा है कि भाई व्हाट इज मोंगोज स्कीमा, क्या है मोंगोज स्कीमा। ए मोंगोज स्कीमा डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट वैल्यू वैलिडेटर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो यार सिंपल सी बात है, हम लोगों ने मोंगोडीबी के अंदर सबसे पहले एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के बाद में हम लोगों ने उसका एक कलेक्शन बनाया, कलेक्शन के बाद में उसका डॉक्यूमेंट हमने बनाया और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड वहाँ पे डाले। इतना हमने काम करा है अभी तक, करा ना। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पे काम करा है वो हम लोग स्कीमा के अंदर कर सकते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है इस डॉक्यूमेंट का, उसको हम लोग आराम से डिफाइन कर सकते हैं यूज़ करते हुए स्कीमा का। इसमें इसको वैलिडेट भी करवा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, और भी चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ मोंगो कंपास पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक CWADB नामक एक डेटाबेस है जिसके अंदर एक वीडियो लिस्ट नामक क्या है, एक कलेक्शन है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, पहला डॉक्यूमेंट एंड दूसरा डॉक्यूमेंट। तो ये जो पहला डॉक्यूमेंट है इसमें मान लो कि नेम है, ये जो नेम है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नेम है ये, कंप्लीट एक नेम है और ये इसकी वैल्यू है, मतलब की वैल्यू पेयर, यही तो है। अगर मैं इस नेम को ये बोल दूँ कि भाई इस नेम में ओनली मतलब जो स्ट्रिंग है वो ही पास होनी चाहिए, यहाँ पे कोई इस नेम के अंदर कोई नंबर नहीं पास करना है, ठीक है। जैसे वीडियो, इसकी वीडियो मतलब कितने वीडियो है, तो वीडियो आप लोग कोई नंबर डाल सकते हो कि भाई 100 वीडियो है मेरे पास, तो इस प्लेलिस्ट में कितने वीडियो हैं। मान लो जावास्क्रिप्ट की एक प्लेलिस्ट है और जिसमें 100 वीडियो हैं, तो 100 क्या है, एक वैल्यू है, लेकिन 100 एग्जैक्टली एक नंबर है। तो आपको यहाँ पे ओनली नंबर ही डालना है, कोई यहाँ पे स्ट्रिंग पास नहीं करनी है। जैसे ऑथर है, ऑथर यहाँ पे कोड विद एज है, मतलब चैनल का नाम, आप लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हो इसको, भाई ऑथर है तो कोड विद एज है, ठीक है। तो जो कोड विद एज है मतलब ऑथर आपका सिंपल की हो गया, वैल्यू इसकी कोड विद एज है। तो ये कोड विद एज कोई नंबर नहीं हो सकता, कोई बूलियन वैल्यू नहीं हो सकती, कोई और दूसरा तरीके का डेटा टाइप यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये ओनली एक स्ट्रिंग ही हो सकती है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से एक रूल डिफाइन कर देते हो कि भाई साहब अगर ये जो नेम है इसमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग पास करनी है, ये जो वीडियो है इसमें एक नंबर पास करना है, ये जो ऑथर है इसमें सिंपल आपका एक स्ट्रिंग पास होगी, जो कुछ भी हो सकती है, जैसे कोड विद एज मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब ये जो स्टेटस है, ये देखो स्टेटस है, ये स्टेटस क्या है, एक सिंपल सी की है, लेकिन इसमें एक वैल्यू ट्रू, मतलब इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें बूलियन ही वैल्यू पास करनी है। अब या तो वो फॉल्स हो सकती है या वो ट्रू हो सकती है, ये दो चीज़ हो सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे ट्रू डाल रखी है। आई होप आपको स्कीमा क्लियर हो गया होगा, थोड़ा और बेहतरीन क्लियर करा देता हूँ मैं। देखो अगर मैं इसको एडिट पे आपको क्लिक करके दिखाऊं तो आप लोग आराम से देखो यहाँ पे, और थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना अगर आपको थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है क्योंकि स्कीमा का आपको पता लगाना ज़रूरी है। देखो नेम क्या है, नेम एक की है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। तो आप लोग जैसे मैं यहाँ पे माउस को होवर करता हूँ, इसमें आप लोग यहाँ पे इसको क्लियर देखो, इसको आप लोग क्लियर देखो, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग है। अब इस पर जैसे क्लिक करता हूँ बहुत सारे के डेटा टाइप आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो, भाई यहाँ पे बहुत सारे के डेटा टाइप्स आपके सामने आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं वीडियो पे जाता हूँ तो वीडियो में इंट 32 मतलब इंटीजर क्या है, एक नंबर ही तो होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑथर पे जाऊँगा तो ऑथर पे क्या है, ऑथर पे एक सिंपल सी ABCD है, मतलब कोड विद एज ही है, और जो एक स्ट्रिंग ही है, तो आप लोग यहाँ पे इस पर देख सकते हो वो क्या, एक स्ट्रिंग ही है। अगर मैं स्टेटस की बात करूँ लास्ट वाले की, तो ये क्या है, ये सिंपल एक बूलियन वैल्यू है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कीमा सेट कर रहे हैं,
और डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं थोड़ा मॉडल का, भी इन्होंने बता रखा है, आप लोग देख सकते हो, वेरियस ए मोंगोज मॉडल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द डेटाबेस, क्रिएटिंग, क्वेरिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। मतलब है जो भी सारे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं उनका हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कौन, मोंगोज मॉडल, आप लोग इसको मॉडल बोल सकते हो। ये जो भी यहाँ पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इसका इंटरफेस प्रोवाइड करेगा ये जो मॉडल है ये। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा कोड करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे लेकर चलूँ वीएस कोड पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यार ये चीज़ तो आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अगेन लिख के दिखाऊँगा, एक बार आपको एक अगेन लिख के दिखा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हम लोगों ने मोंगोज को इंस्टॉल करा। अब मोंगोज कहाँ पे इंस्टॉल हुआ, तो अगर वो हुआ भी नहीं हुआ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पैकेज डॉट जेएसएन है, इस पर क्लिक करो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिपेंडेंसीज, और इसमें देख सकते हो मोंगोज 6.6.5 का वर्जन मेरे सिस्टम के अंदर अब इंस्टॉल है, ठीक है, आप लोग कर लेना। अब आपको नहीं पता किस तरीके से करना होता तो पिछले वाला वीडियो देख लेना, बात बन जाएगी। बढ़िया, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे लिखूंगा सिंपल कॉन्स्ट मोंगोज, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी ठीक लिख दो, जो है वो लिख दो, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक करता हूँ स्पेलिंग की, मोंगोज की, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस मोंगोज को क्या करो, रिक्वायर कर लो इस तरीके से। बढ़िया यार, ठीक है। अब हम लोग PHP वगैरह में काम करते थे तो आपके सामने कनेक्ट नाम का मेथड होता था जो हमको कनेक्ट करवाता था हमारे डेटाबेस से, तो वैसे हम लोग करेंगे क्या, वैसे हम लोग बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि जो मोंगोज है ना इसमें एक कनेक्ट होगा, ठीक है, और उसमें कुछ आपको यहाँ पे चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ये चीज़ आप लोग याद कर लो। इसमें सबसे पहले डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे MongoDB, नॉट लोकल होस्ट, आपको सबसे पहले डालना पड़ेगा MongoDB कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे डालना लोकल होस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में आपको क्या पास करना है, उसके बाद में आपको पास करना है अपना पोर्ट। अब पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है इस हमारे MongoDB का, तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो टॉप पे 27017, ये जो पोर्ट है ये हमको डालना रहता है। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा 27017, ठीक है, आराम से लिख दो, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब आप लोग यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको उस डेटाबेस का नाम डालना है। अब डेटाबेस का नाम आप लोग को कुछ भी हो सकता है, जैसे अब मैं यहाँ पे जो भी चीज़ डालूंगा वो मेरा डेटाबेस होगा, ठीक है, और वो डेटाबेस अगर है, अगर वो डेटाबेस अभी एग्जिस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर काम चलता रहेगा। अगर वो डेटाबेस नहीं बना है तो अभी हम लोग करेंगे क्या, जो भी इसमें नाम डालेंगे ये उस डेटाबेस को बना के दे देगा हमको, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आप लोग के सामने एडमिन कन्फिग CWADB लोकल, ये चार पांच डेटाबेस है अभी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल कोड विद एज, इस तरीके से लिख दिया, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इस कंपास के अंदर, तो मैं करूँगा क्या, मैं अभी कोड विद एज लिख दिया तो ये डेटाबेस मेरे सामने बना देगा, ठीक है, ओके जी, बढ़िया है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे डॉट देन, प्रोमिस के साथ हम लोग काम करना चाहेंगे अब, और लिखेंगे कि बात ऐसी है कि अगर ये चल जाता है तो आप लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हो कि भाई कनेक्ट हो चुका है। आप लोग बोल सकते हो कि भाई कनेक्ट हो चुका है, और अगर ये कनेक्ट नहीं होता है, कुछ एरर होती है, तो मैं यहाँ पे अगेन डॉट देन का यूज़ करके यहाँ पे लिख दूंगा एरर, और मुझे डॉट देन नहीं करना इस बार, मैं यहाँ पे लिखूंगा कैच, मुझे लिखना पड़ेगा कैच, मतलब उस एरर को मैं लेके आऊँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल कंसोल डॉट लॉग, और जो भी है एरर, जो भी एरर है वो दिखा दो यार, सिंपल सी बात है, ठीक है, बढ़िया, और सेव कर दो। बस इतना सा मैंने कोड करा है, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको पता है तो आप लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। सेव करूँगा और सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी क्लीन है, और इस वाली फाइल को रन करेंगे, मैं लिखूँगा नोड एंड ऐप डॉट जेएस। और राइट सो यार, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, हो चुका है ना कनेक्ट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को कनेक्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीमा के बारे में, तो आपको करना क्या पता है, आपको यहाँ पे लिखना है एक सिंपल सा न्यू कीवर्ड एंड मोंगोज, आपको यहाँ पे लिखना है मोंगोज डॉट स्कीमा, आपको यूज़ करना है इस तरीके से, और इसको मैं एक वेरिएबल में पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कॉस्ट इस तरीके से, और एक ऑब्जेक्ट आप लोग मान सकते हो इसका, एक ऑब्जेक्ट आप लोग इंस्टेंस बोल सकते हो इस चीज़। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई कुछ भी बोल दो, जैसे मान लो कि ये कोड विद एजे है, ठीक है, इसमें वीडियो प्लेलिस्ट होंगी, तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड प्ले लिस्ट एंड स्कीमा
स्कीमा इस तरीके से मैंने सेट कर दिया, स्केप स्पेलिंग से लेकिन स्कीमा ठीक है इक्वस टू, बढ़िया। और कुछ इस तरीके के कुछ इस तरीके से कर देंगे ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये सिंटेक्स है, बेसिक सा सिंटेक्स है एक स्कीमा को डिफाइन करने का, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी देख लेना, न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा ठीक है। अब मान लो कि अभी मेरे पास अभी कोई डेटाबेस नहीं है, तो मान लो कि ये कोड विद एज डेटाबेस नहीं है ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि यार देखो बात ऐसी है कि एक नेम होगा, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ जिसमें आएगी क्या, आपको कोट्स नहीं देने, आपको डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है, जिसमें आएगी सिंपल स्ट्रिंग ठीक है। नेम होगा जिसमें आपको स्ट्रिंग पास करनी है, कोमा दो, जिसमें एक एज होगी जिसमें आपको नंबर, सॉरी सॉरी मैं वीडियो प्ले लिस्ट बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर इसको छोड़ो ठीक है। और उसके बाद में मैं डालूँगा सिंपल वीडियो, तो वीडियो में क्या होगा, वीडियो में ओनली नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वीडियो में क्या होगा, नंबर होगा इस तरीके से ठीक है ओके। उसके बाद में मैं यहाँ पे पास करूँगा कि भाई इसको बनाया किसने, या मतलब इस चैनल नेम बताओ क्या है, तो चैनल नेम बोल दो या फिर ऑथर बोल दो आप लोग ठीक है। ऑथर में मैं डाल दूंगा एक स्ट्रिंग आएगी, आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो एक स्ट्रिंग आएगी, फिलहाल मुझे एस को कैपिटल करना पड़ेगा इस तरीके से ठीक है। और अब मान दो कि इसका स्टेटस मतलब एक्टिव है या नहीं है, स्टेटस आप लोग बोल सकते हो फिर एक्टिव यहाँ पे बोल सकते हो, एक्टिव लिखना था और यहाँ पे ट्रू पास कर दूंगा, इसका मतलब ये है जिसमें मैंने बूलियन वैल्यू अभी सेट कर दिया इस तरीके से ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यार मान लो कि ये जो नेम है इसमें मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप लोग सेट कर सकते हो, वैलिडेटर आप लोग सेट कर सकते हो, मतलब ऐसा है कि और बहुत सारे इसमें मेथड एंड प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोग ऐसा समझ लो कि आप लोग यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई इसमें इसका जो टाइप होगा, इसका जो टाइप होगा वो तो होगा टाइपर, नहीं टाइप होगा वो तो होगा सिंपल स्ट्रिंग ठीक है। टाइप तो इसका सिंपल स्ट्रिंग होगा, और ये रिक्वायर होगा ओनली ट्रू, ये क्या होगा रिक्वायर होगा सिंपल ट्रू कुछ इस तरीके से राइट। और अभी के लिए मान लो मैंने इस तरीके से वैलिडेट लगा दिया, रिक्वायर मतलब ट्रू, वैलिडेशन मैंने करवा दिया ना, मतलब स्ट्रिंग होनी चाहिए इसका टाइप ओके जी बढ़िया है। और इसमें हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, अब करनों को कर दो, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, बताऊंगा आपको आगे बताऊंगा डोंट वरी। तो ठीक है वीडियो प्लेलिस्ट इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया, डिफाइन कर दिया है सिंपल ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें होनी है बढ़िया है। अब आपको मॉडल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और बता देता हूँ। देखो यार सिंपल सी बात है, मॉडल में हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमको इनका एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है मॉडल ठीक है। ओह ठीक बढ़िया। अब एक काम करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल मॉडल को बनाने के लिए, मॉडल को बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडल को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे कि भाई साहब बात ऐसी है, बात ऐसी है कि ये आपको एक ऐसा बोल सकते हो कलेक्शन भी बना देगा, तो आपको ऐसा बोल सकते हो कलेक्शन को भी आप लोग को बना सकते हो इससे, बन नहीं जाएगा डोंट वरी, आपको टेंशन लेनी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बना के दे देगा ये ऑलरेडी। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल कॉन्स्ट, और मैं लिख दूँगा यहाँ पे एक सिंपल सा प्ले लिस्ट, यहाँ पे बोल दो प्ले लिस्ट बोल दिया मैंने इस तरीके से इक्वल्स टू, और इसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा कि न्यू मोंगोज, मैं लिखूँगा सिंपल न्यू मोंगोज इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट, और डॉट के बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल मॉडल इस तरीके से ठीक है। आई हो बढ़िया चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्लेलिस्ट और मैंने यहाँ पे न्यू मोंगोज, अगर आपको मॉडल का यूज़ करना तो आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे मॉडल को डिफाइन करोगे। और अब इसमें दो पैरामीटर आपको सेट करने होते हैं, एक तो आपको वो चीज़ डालनी है जो आप लोग अपने कलेक्शन का नाम यहाँ पे डालना चाहोगे, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे डालूँ वीडियो ओके यार मैं क्या डालूँ, मेरे कोई दिमाग में नहीं आ रहा नाम, कोई टेंशन नहीं है, बट वीडियो प्ले लिस्ट डाल देते हैं इस तरीके से, वीडियो प्ले लिस्ट डाल दी मैंने इस तरीके से ठीक है, ये मेरी कलेक्शन का नाम हुआ ठीक है ओके जी। और इसमें मैं करूँगा क्या, वीडियो लिस्ट स्कीमा जो मतलब आपका जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर को डिफाइन करा डॉक्यूमेंट के, वो आपको कंप्लीट कॉपी करके यहाँ पे आपको इस तरीके से, वो एक वेरिएबल है तो आप लोगों को इस तरीके से पेस्ट कर देना है, सेव करना है, बस इतना ही करना है। अब आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है, यहाँ पे एडमिन कॉन्फ़िग सीडब्ल्यू कुछ भी नहीं है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, इसको बंद करके दिखा देता हूँ। और राइट आप लोग देख सकते हो, मैं जैसे यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा ये कनेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो ये सीडब्ल्यूआईडी एडमिन
कोड विद एज ए नाम से यहाँ पे कोई डेटाबेस अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब जैसे मैं इस वाली फाइल को रन करूँगा ऐप डॉट जे एस को, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन हो जाएगा और ये जो हमारा कोड विद एज ए डेटाबेस बन जाएगा, और इसमें जो वीडियो प्लेलिस्ट नामक एक कलेक्शन मैंने जो डिफाइन करा है वो भी हमको इसके अंदर दिखाई देगा, बट मुझे ओनली इसको रन करना पड़ेगा। सबसे पहले कंट्रोल सी करेंगे इसको इस तरीके से, और राइट, और मैं यहाँ पे जाऊँगा रन कर दूँगा। और राइट से यहाँ पे इसने एक एरर दे दिया, और एरर क्या है मुझे देखनी पड़ेगी यहाँ पे, एरर क्या दिए इसने मैं यहाँ पे। और राइट रिक्वायर्ड ट्रू, और राइट मैंने ये क्या करा यार, रिक्वायर्ड ट्रू मुझे नहीं करना था, मुझे तो यहाँ पे ओनली मतलब ट्रू क्या है, एक बूलियन वैल्यू होती है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर सेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बूलियन पास करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बूलियन पास करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब मुझे सही दिखाई दे रहा है मेरा कोड, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, रन करूँगा सब कुछ क्लीन करके मेरी फाइल को, इंटरप्रेस करूँगा। सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है सक्सेसफुली, सब कुछ सही है। आप लोग को यहाँ पे कंपास पे जाना है, आप लोग चेक कर सकते हो वहाँ पे भी, जैसे मैं विंडो प्लस आर टाइप करके यहाँ पे सीएमडी टाइप करूँ और यहाँ पे सब कुछ क्लीन वलीन करके आपको आराम से दिखाऊँ मोंगो को रन करके। और राइट, और मैं यहाँ पे क्लीन लिखूँ, मैं लिखूँ कि भाई शो डी बी एस इंटरप्रेस, ये देख सकते हो कोड विद एजे, आप लोग आराम से देख सकते हो कोड विद एजे इसमें लिख के आ चुका है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं दिखूँगा सिंपल यूज कोड विद एजे, स्पेलिंग ठीक लिख दो, इंटरप्रेस करो, गलत कर दी भाई कोड विद एजे, क्लीन करो इसको, सब कुछ क्लीन करो, सब कुछ क्लीन करो। मैं लिखूँगा यूज कोड विद एजे, इंटरप्रेस करो, और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा शो एंड कलेक्शन मुझे मिलना, ये देख सकते हो वीडियो प्लेलिस्ट, बढ़िया। अब आपको यहाँ पे भी दिखाई देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ आपको, अगर मैं न्यू कनेक्शन पे जाऊँ, और मैं न्यू कनेक्शन पे जाऊँ यार, ठीक है, और मैं सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करूँ और इसको मैं हटाऊँ यहाँ से, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये देख सकते हो कोड विद एजे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये जो कलेक्शन बना है अभी आप लोग देख सकते हो, बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटा को वैलिडेट और डेटा का डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग मॉडल से कोई कलेक्शन वगैरह भी बना सकते हैं। होप कि अभी के लिए इतना ही आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और ये जो हमने बनाई है कोड विद एजे नाम से डेटा बेस वगैरह हमने बनाया है, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, तो इसके अंदर हमको अब क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, और वो देखेंगे हम लोग इससे जस्ट अगले वाले वीडियो में। होप कि आपको चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होगी। सो यार अभी के लिए इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।